संजय राउत ने दी कंगना रनौत को धमकी। क्या मुंबई नहीं लौटने की धमकी संजय राउत ने कंगना को दी है? कंगना ने किया पलटवार। संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया है कंगना ने और मुंबई को पीओके जैसा बताया है। जी हां, कंगना ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया है कि संजय राउत ने उन्हें खुली धमकी देते हुए मुंबई वापस नहीं लौटने को कहा है। कंगना के फिल्म माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डरने के बयान के बाद संजय राउत ने रिपोर्टेडली उनको ये जवाब दिया है कि वो मुंबई नहीं लौटे। इसके बाद कंगना ने अपने ट्वीट में इस आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आज़ादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है? आपको याद दिला दे कि कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने ट्विटर पर कहा था कि वो बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करना चाहती है। कंगना रनौत ने ट्वीट किया था कि इनको एक्सपोज करने के लिए मुंबई पुलिस की सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगी, उन्हें इसके लिए हिमाचल प्रदेश या केंद्र सरकार की सुरक्षा की जरूरत होगी। रिपोर्टेडली संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना रनौत के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि कंगना का विश्वासघात शर्मनाक है क्योंकि वो मुंबई में आजीविका चलाने के बावजूद मुंबई पुलिस की आलोचना करती है। राउत ने लिखा, हम उनसे मुंबई नहीं आने का अनुरोध करते हैं, ये मुंबई पुलिस का अपमान है और गृह मंत्रालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी विधायक राम कदम ने कहा कि मुंबई पुलिस इस एक्ट्रेस को सुरक्षा प्रदान नहीं करना चाहती है जबकि वो कथित ड्रग माफियों को बेनकाब करना चाहती है। वल्लभ संजय राउत ने दी कंगना रनौत को धमकी कि वो मुंबई ना लौटे। कंगना के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स तो रिएक्शन दे ही रहे हैं, लेकिन आपके क्या कमेंट्स हैं इस पर हमें जरूर